एक छोटा केंट। हाँ, बहुत गर्मी है, कैसे खेलेंगे? केंट और मंडे क्या कर रहे होंगे? उन्होंने तो खेलना भी शुरू कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि हम खेल पाएंगे। क्या हुआ केंट? वो देखो कितनी गर्मी है, दिनों बिनो कैसे खेलेंगे? ये तो मुश्किल हो गई। पसीना आ रहा। आइडिया, बस देखते जाओ और बीनू मेरी बात को दोहराना बंद करो। क्या है दिखाओ? ओ, ये तो पुल का नक्शा है, तो क्या हमें एक पुल बनाना चाहिए? वहाँ क्या बात है, तो चलो काम शुरू करते हैं। चलो सबने अपनी हैट्स पहन लेना। बीनू तुम वहाँ से काम शुरू करो। ओके। और तुम वहाँ से, और मैं आप देखूंगा। पहले मंडे हमारे साथ नहीं खेलता था, हमेशा चुपचाप रहता था। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, खेलेंगे नहीं तो आएगी शर्म। तीनों बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पुल। काम में लग गए हम सब जन और पुल हो गया चुटकियों में डान। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, बारिश के बाद बजाएंगे ड्रम। तीनों बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पुल। काम में लग गए हम सब जन और पुल हो गया चुटकियों में डन। पुल में जाके हम करेंगे डाइव और उसके बाद एक दूसरे को देंगे हाई फाइव। खूब खेलो क्योंकि ये है गर्मियों का महीना, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी जरूर पीना। ये चलो अब पानी में कूदते हैं, कूदो। वाह मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। अरे वाह टीनू तो हमारे लिए गेंदे लेकर आ रहा है, ये अब तो और भी मजा आएगा। अरे वाह ये तो फ्लोट है, यूनिकॉर्न वाली फ्लोट। नहीं मुझे चाहिए, मुझे, मैं खेलूंगा इससे। ठीक है मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये हम तो मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करना भूलना मत दोस्तों। आपसे बाद में मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं। पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है। ओह, कौन सा शेप है ये, कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूँ, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चॉक से कलर भर देता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ! अब बताओ ये कौन सा कलर है? पिंक यानी गुलाबी, और गुलाबी रंग की लॉलीपॉप्स होती हैं। सही कहा ना? चलो दोस्तों अब दूसरे आकार की बारी है, बताओ ये कौन सा आकार है? आकार को शेप भी कहते हैं, तो ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल यानी वर्ग। अब मैं इसमें भरने जा रहा हूँ रंग, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है, कौन सा कलर है ये? हाँ, येलो यानी पीला, जिस रंग का सूरज यानी सन होता है। ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बताओ बताओ कौन सा शेप है ये, कोई गेस कर सकता है? ये है स्क्वायर यानी चौकोर। अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग भरने वाला हूँ। अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा, तो कौन सा कलर है ये बताओ? ये है ग्रीन यानी हरा, जिस कलर की ब्रोकली होती है। अब मेरे पास तीन आकार हो गए, अब मैं इन तीन आकारों से एक बस बनाऊंगा। ये आया आयत, उसके बाद गोले से टायर्स और चौकोर की खिड़कियाँ। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता हूँ और तैयार है मेरी बस, जो कि जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों। और आज मैं आपको घर के बारे में कुछ सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरा नाम है केंट, मैं
हूँ छिटकू सा एलिफेंट। हम नहीं देते घर का रेंट, पापा ने खरीदा है नया घर रीसेंट। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ओ, सबसे पहले हमने घर का स्केच बना लिया। अब हम एक एक करके इसकी चीजें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? हाँ, पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं। और ये लग गया। उसके बाद हम दीवारें सेट करेंगे और फिर इसे पेंट भी करेंगे। मुझे येलो यानी पीला रंग बहुत पसंद है। अच्छा लग रहा है ना? अब रूफ यानी छत लगा देता हूँ और इसे भी पेंट कर दूंगा रेड यानी लाल रंग से। घर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? चलो अब बताओ कि हम किस चीज से घर के अंदर जाते हैं। हाँ, डोर यानी दरवाजा। डोर को भी पेंट कर देता हूँ। अब सामने दो विंडोज लगा देते हैं यानी कि खिड़कियाँ, ताकि हवा और धूप अंदर बाहर आ जा सके। अब क्या लगा सकते हैं? हाँ, सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद चिमनी लगा देता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर। इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूँ? हाँ, पौधे लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल पाए, है ना दोस्तों? और उसके बाद पेड़ भी लगा देता हूँ। वाओ, मेरा घर कंप्लीट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है ना? चलो अब मैं घर जाता हूँ। बाय बाय, सी यू। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा प्यारा सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं और मंडे तीनों मीनू के साथ प्लेग्राउंड बनाने वाले हैं। इसके बाद हम सब मिलकर उसमें खेलेंगे। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं करता हूँ सबको एंटरटेन। आओ बनाए प्लेग्राउंड मेरे फ्रेंड। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले मैं और मंडे टाइल्स लगा रहे हैं। उसके बाद झूले लगाने का काम करेगा टीनू, क्योंकि वो भारी सामान आसानी से उठा सकता है। जब एक बार ये झूलों वाला पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो हम खूब खेलेंगे। लेकिन हम अपना काम करके ही खेलने आते हैं। अपना सारा होमवर्क खत्म करके फिर मम्मी हमें खेलने की परमिशन दे देती है। अरे वाह, सारे झूले तो लग गए। इसके बाद हमें पार्क को सजाने का काम करना है। अरे वाह, क्या बात है। अब टीनू स्विंग को लगा रहा है। जाओ टीनू, जल्दी से दूसरा वाला भी उठा लाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, रख दो। ये हो गया। अरे मंडे, तुम तो अभी से मेरे को राउंड पे चढ़ गए। रुको, मैं भी आता हूँ। ओह, अब बारी है सुंदर सुंदर तारों से पार्क को सजाने की। कितने सुंदर लग रहे हैं ना? वाओ, हमें अब जल्दी से खेलना है। चलो खेलते हैं। थैंक यू सो मच, तुम सबने बहुत अच्छा किया। अब कैन स्लाइड पर जा रहा है फिसलने के लिए। और ये बहुत मजा आया। अब बारी है स्विंग की। मैं ज्यादा तेज हूँ। आज का दिन कितना अच्छा है। गोल 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 गोल। दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की, इनके बिना नहीं कर पाता। चलो बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट और मैं आ गया। आज हम सीखेंगे व्हीकल्स के नाम। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ स्कूल। दोस्तों, क्या तुम लोग जानते हो कि स्कूल में किस चीज में बैठकर जाते हैं? मुझे भी नहीं पता। चलो मैं तुम लोगों को ऑप्शंस देता हूँ दोस्तों। क्या हम लोग नाव यानी बोट में बैठकर जाते हैं? नहीं, इसमें तो बैठकर नहीं जाते। तो क्या हम हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हैं? फुर से उड़ के मजा आता है ना? पर नहीं, हम हेलीकॉप्टर में स्कूल नहीं जाते। हम स्कूल जाते हैं बस में बैठकर। हाँ दोस्तों, मेरी बस येलो यानी पीले रंग की है। पापा, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। स्कूल जाते हैं हम स्कूल बस में। मजा आता है सबको इसमें। ये पापा, देखो दोस्तों, हम स्कूल पहुँच गए। हेलो दोस्तों, मुझे इस नदी के दूसरी तरफ जाना है। क्या आप बता सकते हो कि मैं किस चीज में बैठकर जा पाऊँगा? सोचो सोचो, क्या मैं बस में जा सकता हूँ? नहीं, ये तो डूब जाएगी। क्या मैं साइकिल चला कर जाऊँ? नहीं, ये तो चल नहीं पाएगी। तो क्या बोट से जाऊँ? हाँ, मैं बोट यानी नाव से जाऊँगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। पापा का हूँ प्यारा, मम्मी का हूँ दुलारा। हेलो दोस्तों, मम्मा ने मुझे बाजार जाने को कहा है फल लाने के लिए, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज में बैठ कर जाऊँ।
मेरी मदद करोगे? क्या मैं ट्रैक्टर में जाऊँ? नहीं, ये तो बाजार में नहीं ले जा सकते। क्या मैं नाव में जाऊँ? नहीं, वो तो पानी में ही चलाते हैं। साइकिल? अरे हाँ, ट्रिंग ट्रिंग, मैं साइकिल से जा सकता हूँ। केंट आज बाजार जाएगा, मम्मी के लिए फल लाएगा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो दोस्तों, इस बार मैं हूँ एक फार्म में, यानी खेत में। अच्छा बताओ कि खेत घूमने के लिए मुझे किस पर जाना होगा? क्या मैं नाव पर जाऊँ? नहीं नहीं, ये तो नहीं। साइकिल चलाऊँ? साइकिल में तो केंट नहीं जा पाएगा। क्या मैं ट्रैक्टर में जाऊँ? हाँ सही कहा, मैं ट्रैक्टर से जा सकता हूँ। केंट चला रहा है ट्रैक्टर, यहाँ से जाएगा सीधा घर। ओके टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। अरे नहीं, मतलब हम आ गए। मेरे साथ मेरे दोस्त मंडे, टीनो और बीनू भी है। आज मेरे और मंडे के बीच एक जबरदस्त फुटबॉल मैच होने वाला है, और देखना मैं ही जीतूंगा। देखो केंट गिर गया, तुम मेरी बात मत दोहराया करो। ओके केंट, रो मत, बहुत चोट लगी है क्या? लग गई। ऐसे तो कोई भी बच्चा प्लेग्राउंड में गिर सकता है, हमें कुछ सोचना होगा। आइडिया, ये लो केंट, तुम्हारे लिए कुछ है। फुटबॉल फील्ड का मैप, ये तो कमाल का आइडिया है। हमें ये बना लेना चाहिए ताकि फिर से कोई ना गिरे। हाँ, है ना, मजा आएगा। सबसे पहले हमें ग्राउंड को साफ करना है। शुक्रिया टीनू। उसके बाद किनारों पर गोल पोस्ट लगा देते हैं। शुक्रिया बीनू। फिर हम लगा देंगे स्टैंड्स। अमेजिंग। और अब आखिर में पेंट का काम करेंगे मंडी और मैं, यानी केन। लेकिन इस काम में टीनू और बीनू भी मदद करेंगे। ये चलो चलो, लगाओ लगाओ, क्या बात है। चलो मंडे, दिखा दो अपना कमाल। ज़ूम, क्या बात है। और ये हो गया, अब हम खेल सकते हैं। चलो चलो, आ जाओ सब। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज मैं हूँ दोस्तों के संग, और यहाँ चल रहा है मैच रंगारंग। अब मैं चाहे कितनी भी तेज भाग लूँ, मुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि हमने फील्ड को साफ कर दिया है। आप लोग भी जहाँ खेल रहे हो उस जगह को चेक कर लेना। मंडे के पास बॉल आते हुए, मंडे गोल की तरफ जाते हुए, और ये मारा गोल। क्या बात है मंडे, बहुत बढ़िया मंडे, मजा आ गया। अगली बार फिर से मिलूंगा दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और आज हम ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे के साथ फिट होती हैं। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, कुछ नया सीखने में रहता मगन। जैसे आज जानेंगे क्या है किसके संग। तो बताओ कि बस के साथ में क्या होता है? हाँ, व्हील्स, यानी पहिए। और ये पहिए जब गोल 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 घूमते हैं तो गाड़ी चल पाती है। अब मैं बताता हूँ पहिए किन किन चीजों में होते हैं। गाड़ी यानी कार, साइकिल में, ट्रैक्टर में, ट्रक में भी होते हैं। अगर पहिए यानी व्हील्स ना हो तो गाड़ी चल ही नहीं पाती है। पता चला कि पहिए कितने जरूरी होते हैं। तो चलो अब दूसरी चीज देखते हैं कि वो किसके बिना अधूरी है और उस पर क्या सेट होता है। मैं इस वक्त हूँ पार्क में, और ये है एक पेड़। और पेड़ किस चीज के बिना अधूरा होता है दोस्तों? क्या ये हैट के बिना अधूरा होता है? नहीं। क्या ये छतरी के बिना अधूरा है? नहीं। ये तो लीव्स यानी पत्तियों के बिना अधूरा है। वाह, मजा आ गया। हमने पेड़ और पत्तियों को एक साथ सेट कर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब चलो दूसरे वाले की ओर। नेक्स्ट, एक फिश यानी मछली, इसकी किसके साथ जोड़ी बनती है? व्हील यानी पहिए के साथ? नहीं। एप्पल यानी सेब के साथ? ना, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? हाँ, फिश बोल। मछली फिश बोल में रहती है, इसीलिए ये दोनों एक साथ सेट होते हैं। क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या बात है, अब देखते हैं अगला कौन सा है। ये तो हैट है। ये किसके साथ फिट होगा? एक पेड़ के साथ? नहीं, पेड़ नहीं,
बस नहीं, बस भी नहीं और फिश बॉल के साथ भी नहीं। ओहो, तो क्या हो सकता है? अरे हाँ, ये तो मेरे सर पे फिट होती है, यानी कि केन के सर पे। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना दोस्तों। आज जो भी सीखा वो तुम भी याद रखना, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहो। अगली बार मैं जल्दी से आऊँगा और हम सब मिलके कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज मैं समंदर के अंदर हूँ और यहाँ मैं समंदर में पाए जाने वाले जीव देखूंगा और साथ ही बताऊंगा कि वो कौन से रंग के होते हैं। ते पहला कौन सा आता है? ये तो शार्क है। मछली रानी, मछली रानी, केंट को बता दो इसकी कहानी, कौन सा रंग शार्क का है खास, अगर बता दो तो बन जाए बात। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये नीला रंग है यानी कि ब्लू कलर। ये और पता है शार्क को भी मेरा ही कलर पसंद है, ब्लू कलर। अब देखते हैं अगला कौन सा है। ये तो ऑक्टोपस है। देखते हैं मछली रानी कौन सा रंग करेगी। मछली रानी, मछली रानी, केंट को बता दो इसकी कहानी, कौन सा रंग है ऑक्टोपस का खास, अगर बता दो तो बन जाए बात। और हो गया, इसे तो पर्पल रंग पसंद है यानी कि बैंगनी कलर। अब क्या आ रहा है, क्रैब यानी कि केकड़ा। देखते हैं मछली रानी इसको कौन सा रंग देती है। मछली रानी, मछली रानी, केंट को बता दो इसकी कहानी, कौन सा रंग है केकड़े का खास, अगर बता दो तो बन जाए बात। और ये बस रंग हो गया, इसे पेंट किया गया है रेड यानी लाल रंग। अब कौन सा जीव आने वाला है। डॉल्फिन, ये तो बहुत सुंदर है। देखते हैं मछली रानी इसे कौन सा रंग देगी। मछली रानी, मछली रानी, केंट को बता दो इसकी कहानी, कौन सा रंग डॉल्फिन का है खास, अगर बता दो तो बन जाए बात। इसका रंग है ग्रे यानी कि स्लेटी रंग। वाह, मजा आ गया। ये है क्वीन फिश। मछली रानी, मछली रानी, केंट को बता दो इसकी कहानी, कौन सा रंग क्वीन फिश का है खास, अगर बता दो तो बन जाए बात। क्वीन फिश ने तो सर पर ताज भी पहन रखा है, क्या बात है। इसमें दो रंग है, हरा और गुलाबी। तो चलो अब रिवाइज करते हैं। शार्क को पसंद है नीला रंग। अगला कौन सा था। हाँ, ऑक्टोपस, उसे पसंद है बैंगनी रंग। उसके बाद है केकड़ा, उसे पसंद है लाल रंग। और उसके बाद डॉल्फिन, जिसे पसंद है स्लेटी रंग। और ये है क्वीन फिश, जिसे हरा और गुलाबी दोनों पसंद है। आज तुम सबके साथ कलरिंग करने में मजा आया, फिर मिलूंगा, बाय। हेलो दोस्तों, मैं कैंडी एलिफेंट, मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का दिन नहीं होगा डर, हम सॉल्व करेंगे जिग्सो पजल। तो चलो सबसे पहले कार के पजल से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोने वाला पीस लगा दो ताकि उसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब ऊपर वाले कॉर्नर का पीस और ये आखिरी वाला कॉर्नर पीस, और ये लग गया। अब हम लगाएंगे कार के एक शीशे वाला पीस, और हाँ इस तरह से। अब शीशे वाला दूसरा पीस, उसके बाद फेंस वाला पीस, और ये कार के हैंडल वाला पीस भी लगा दिया। उसके बाद आता है आसमान और बादल वाला पीस। बस पजल होने ही वाला है। अरे हाँ, यहाँ पर। अब ये कार के आगे वाला हिस्सा, उसके बाद ये व्हील वाला पीस। अब बस दो ही बचे हैं। ये है फेंस वाला पीस और आखिरी है व्हील वाला पीस यानी पहिए वाला पीस। और हमारी गाड़ी बन गई, अब मैं बैठ के उसमें घूमने जा रहा हूँ, बाय। अब चलो स्कूल बस वाला पजल सॉल्व करें। ये वाली मेरी स्कूल बस है, येलो येलो। सबसे पहले लगाएंगे कॉर्नर पीस, उसके बाद आसमान वाला कॉर्नर पीस, उसके बाद लगाते हैं आसमान का दूसरी तरफ वाला कॉर्नर पीस, और ये लगा दिया रोड का कॉर्नर पीस। चारों कॉर्नर पीस हो गए। अब बीच वाले लगाते हैं, ये है बस की विंडो, हाँ यहाँ पर। और ये व्हील वाला, हाँ लगा दिया। आसमान वाला पीस, बस की रूफ बन रही है धीरे धीरे, और हाँ।
और ये आखिरी वाला बस के रूफ वाला पीस, और उसके बाद लगाते हैं खिड़की वाला पीस, उसके बाद लगाते हैं डोर और ड्राइवर की विंडो वाला पीस, फिर रोड और व्हील वाला पीस यानी पहिए वाला पीस, और ये है पहाड़ वाला पीस, और ये आखिरी वाला पीस लगा दिया और हमारा पजल हुआ कम्प्लीट। ये पीप पीप पीप, जल्दी चलो, अब देखते हैं अगला वाला कौन सा आएगा। ओह, ये तो एक जीप है, ग्रीन रंग की यानी हरे रंग की। सबसे पहले कॉर्नर वाला पीस, हाँ, उसके बाद जमीन के कॉर्नर वाला पीस लगा दिया, उसके बाद आसमान की दूसरी साइड वाला कॉर्नर पीस, और चौथा पीस भी लगा दिया। अब आसमान, हाँ, अब लग गया। पता है, रंगों से हम जान जाते हैं कि कौन सा पीस कहाँ आएगा। जमीन का एक और पीस लगा दिया, और ये आसमान का एक और पीस, और ये कॉर्नर के बीच वाला पीस, और ऊपर के बीच वाला पीस, उसके बाद फ्लावर्स और घास वाला पीस, और एक पहिए वाला पीस। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बन रही है, और इसे घुमा दो, हाँ ऐसे। अब कॉर्नर वाला, और ये बीच वाला, और हमारा पजल कंप्लीट हो गया। ये चलो, अब मैं जाता हूँ दोस्तों, खेलने में बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ पजल सॉल्व करने के लिए, आज मुझे बहुत मजा आया, मैं फिर मिलूंगा, बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, मैं हूँ अंडर द सी मेरे फ्रेंड, बड़ा मजा आएगा देखना जल्दी है। चलो सी एनिमल्स काउंट करें, ये है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अरे वाह, ये थी 10 बेबी शार्क्स, कितनी क्यूट थी ना। अब देखते हैं कि ये वाली मछलियाँ कौन सी और कितनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये वाली मछलियाँ भी 10 है, ये है क्लाउनफिश। अब देखते हैं कि जेलीफिश कितनी है, चलो गिनती शुरू करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अरे जेलीफिश भी 10 है। समंदर के अंदर गिनती सीखने में और इन प्यारे जानवरों को देखने में बहुत मजा आया। अभी मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केंट, आपका प्यारा सा छुटकु सा एलिफेंट, और आज मैं हूँ हम सबकी फेवरेट जगह पर, प्लेग्राउंड। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट, आज है एक जरूरी काम, हमें सीखना है झूलों के नाम, तभी मम्मी देंगी इनाम। बताओ बताओ, ये कौन सा झूला है? ये लंबा सा होता है, पकड़ने के लिए हैंडल्स लगे होते हैं, और ये ऊपर और नीचे जाता है, मैं जानता हूँ ये क्या है। दोस्तों तुम लोगों ने गैस किया, ये सीसा है, इस पे झूलने में बहुत मजा आता है, एक बार हवा में ऊपर तो दूसरी बार नीचे, ऊपर नीचे। अब बताओ ये क्या हो सकता है, चलो चलो जल्दी जल्दी गैस करो। अरे हाँ, ये तो झूला है, और दो है, इस पे झूलने में बहुत मजा आता है, आगे पीछे, हवा में ऊपर तो कभी नीचे। अब बताओ ये वाला झूला कौन सा है, इस पे हम गोल गोल घूमते हैं, ये है मेरी गो राउंड। जैसे जैसे झूला घूमता है वैसे वैसे केंट भी झूमता है, दोस्तों के साथ रहता मगन, इसमें झूलना बहुत है फन। ओह, अब जल्दी से बताओ ये वाला कौन सा है। ओह, ये तो हॉर्स है, एक स्प्रिंग वाला हॉर्स, चल मेरे घोड़े, टक बक टक बक टक बक टक बक, चल चल। ओह, ये वाला तो बहुत बड़ा लगता है, क्या आपको पता है ये क्या हो सकता है, इसमें तो एक बाल्टी भी है। हाँ, ये है सैंड पिट, मुझे इसमें कासल बनाना बहुत पसंद है। ओह, ये क्या हो सकता है, बताओ बताओ। अरे हाँ, ये मेरा फेवरेट है, स्लाइड।
जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो और वे नीचे आ जाओ। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ो और धड़ाम से नीचे आ जाओ। ओह, ये वाला क्या हो सकता है? चलो मैं हिंट देता हूँ। ये है मंकी क्लाइम। इस पर हम बंदरों की तरह चढ़ते हैं और लटकते हैं। और दोस्तों, इस पे लटका करो, इससे हाइट भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हमने पार्क के सारे झूले गेस कर लिए और अब बारी है खेलने की। और हाँ, खेलते खेलते नाम भी दोहराते रहना ताकि तुम्हें याद रहे। अब केन जा रहा है खेलने, अगली बार मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं फिर से आ गया। आज मॉर्निंग में मम्मा ने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आज भी मैं आपको रंगों के बारे में सिखाऊं। बॉल्स अच्छे से शेक हो गई हैं। अब इन्हें खोलूंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, सबको करूँगा एंटरटेन, आज बनाऊंगा शेक करके रंग। अब मैं इन्हें इस जार में डाल दूंगा और ये कहीं अंदर और बंद कर दिया। ये आई यहाँ, इन्हें मिक्स कर देता हूँ। हो गया। अरे ये क्या बन गया? ये तो बड़ी सी गेंद है, ये हिल क्यों रही है? अरे अरे हिलना मत करो। रेड, और इसका आकार है सर्कल यानी गोल। अब देखता हूँ अगला वाला कौन सा है। अरे अरे इतनी सारी छोटी बॉल्स, पता नहीं इनसे क्या बनेगा। चलो देखता हूँ। अरे हिलना तो बंद करो। हाँ हो गया, अब इन्हें खोल दिया। अब इन्हें स्कूप करके ले लो। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी। ये वाला खुल गया और ये गई छोटी छोटी गेंद इसके अंदर। और ये आई मिक्सर के ऊपर। अब पता है क्या होगा? गोल 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 मिक्स हो गई होगी और ये बड़ी सी गेंद बनी और फिर से शेक हो रही है। अरे 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 रुको रुको, येलो यानी पीला और ये एक येलो स्टार है यानी सितारा। टिम 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 टिम, बंद हो गया। अब देखते हैं। अरे अरे वापस से बॉल्स आ गई। बस करो, अरे बस करो। हाँ हो गई, अब ये खुल गई। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी, आप गैस कर सकते हो दोस्तों? शायद मुझे पता है। हाँ यही वाला खुल गया और ये बॉल्स गई इसके अंदर, बंद कर दिया। और ये गई कहाँ? अभी कहाँ गई है? मिक्सी के अंदर। गोल 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 गोल। और ये बड़ी सी गेंद बाहर आई और ये शेक हो रही है। शेक 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 शेक। पुश, ये है ग्रीन कलर यानी हरा और इसमें से बत्तख बाहर आई यानी डार्क। ओ ओ, वापस इतनी सारी बॉल्स। ये कौन सा कलर है? वाओ, बहुत अच्छा कलर लग रहा है ना, आप गैस कर सकते हो कौन सा है? चलो तब तक गैस कर लो। खुल गया। अब देखते हैं ये वाला कौन से वाले में जाएगा। वैसे अभी तो आखिरी एक ही बचा है, उसी वाले में जाना चाहिए ना। हाँ, खुल गया। और ये गई बॉल उसके अंदर, बंद हो गई मिक्सी के अंदर। मिक्स 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 मिक्स, बड़ी सी गेंद वापस आ गई है और ये शेक होने वाली है। गोल 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 गोल, ये है ब्लू कलर यानी नीला और इसके अंदर से आया बेर यानी भालू। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। आज हम रंगों के नाम सीखेंगे। और वुश 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 वुश, ये है रेड यानी लाल और ये गेंद गई ट्रक में। अब दूसरा रंग देखते हैं,
चलो चलो वुश 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 वुश। ये है ऑरेंज यानी नारंगी। भर गई सारी की सारी। अब देखते हैं अगला कलर कौन सा है। चलो 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 गैस करो। येलो यानी पीला, मेरा फेवरेट, आपको याद है ना। चलो नेक्स्ट पे। अब कौन सा कलर आएगा? ब्लू यानी नीला। और सारी बॉल्स फिट हो गई। अब बचा है आखिरी रंग, देखते हैं ये वाला कौन सा होगा। ग्रीन यानी हरा। डुम 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 डुम। चलो देखते हैं, सारे कलर्स हो गए। अरे आप सोच रहे होंगे ये ट्रक कहाँ जा रहा है, और ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये सारी गेंदे आ रही है केंट के पास। ये मजा आ गया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। तो मेरे पास आ रही है ऑरेंज यानी नारंगी गेंदे, और ये आ गई। मेरा नाम है केंट, वो मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल और नारंगी गेंदे मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। मजा आ गया। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। वाह, ये तो मेरा फेवरेट रंग है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, केंट इंतजार कर रहा है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन, है ना। अब कौन सा ट्रक आएगा, आ जाओ आ जाओ। ब्लू 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 यानी नीला, आ जाओ जल्दी आ जाओ। वाहू, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब कौन सा ट्रक बचा है, लास्ट ट्रक बचा है, देखता हूँ कौन सा कलर होगा। ओ ये तो ग्रीन है यानी हरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली हरी गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। पानी के बना बाथटब में ऐसी गेंदों से खेल सकते हैं। बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है। चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइन भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला। देखें ये कहाँ फिट होता है। आया आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी समकोण, ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा। स्क्वायर यानी चौकोर, इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण, और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा, ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये, ये।, ये वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू यानी नीले रंग का। और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह। ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया, बहुत मजा आया दोस्तों, है ना। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरे खिलौने बहुत सिंपल है, आज मैं इन्हें पेंट करूंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज करूंगा खिलौनों को पेंट, बड़ा मजा आएगा सच में मेरे फ्रेंड्स। टकबक टकबक। अरे वाह, मेरा हॉर्स यानी घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। आपको पता है दोस्तों, घोड़े ना खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। और खाने में ना ये सिर्फ घास खाते हैं, इनकी लाइफ 25 इयर्स तक ही होती है। और बड़े होकर मैं हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी सीखूंगा। हॉर्स जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं, और इसके अस्तबल का कलर है ग्रीन यानी हरा। हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा खिलौना है डक यानी बतख, इसे भी पेंट कर दूंगा। क्वैक क्वैक।
क्वैक क्वैक। और ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, रंग के अंदर। कितना सुंदर लग रहा है ये रंग, इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है दोस्तों, बतख के पंख ना वाटरप्रूफ होते हैं, यानी वो पानी में जाने पर भी गीले नहीं होते। उन्हें खाने में पौधे और मछलियाँ पसंद है, और वो बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं। और अब ये डक जा रही है अपने घर में, जिसका रंग है येलो यानी पीला। ये मेरा फेवरेट कलर है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा तीसरा खिलौना डियर यानी हिरन। अब देखते हैं ये किस रंग का बनेगा। और ये कलर हो रहा है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है ये। दोस्तों, तुम्हें पता है हिरन के सर पर ना सींग होते हैं, जैसे काऊ के भी होते हैं। ये ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं और तैर भी सकते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जा रहा है अपने घर में, जिसका कलर है ऑरेंज यानी नारंगी। गया अंदर। हेलो दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट टॉय, मेरा प्यारा सा डॉगी। मेरे पास घर पे एक डॉगी है जिसका नाम है ब्रूजो। चलो ब्रूजो, पूल में जाओ, कलर हो जाओ, जाओ 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 जाओ। ये गया। बाव 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 बाव। ओ, कितना प्यारा लग रहा है ये। ब्रूजो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और डॉग्स बहुत फेथफुल भी होते हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो वो मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन जब मैं वापस आ जाता हूँ तो खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। और अब ये जा रहा है अपने घर, जिसका कलर है रेड यानी लाल। बाय ब्रूजो। हेलो दोस्तों, अरे ये तो मैं ही हूँ, छोटू सा एलिफेंट यानी हाथी। जाओ हाथी मेरे साथी। हाथी की आवाज को बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट 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 ट्रम्पेट, गो गो गो। गया। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एलिफेंट्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग ना दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स हैं, और मुझे बहुत भूखू लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स ही पसंद है। मैं छोटू एलिफेंट हूँ ना, इसीलिए मुझे काफ कहते हैं। चलो अब मैं अपने बॉक्स में जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरे बॉक्स का कलर है ब्लू यानी नीला। मैं फिर से आ गया दोस्तों, और मेरा अगला टॉय है स्नेल। चलो चलो स्नेल, चलो क्यूटू क्यूटू छोटे से, जाओ 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 जाओ, कलर हो जाओ। गई। देखते हैं इसे कौन सा रंग मिलता है। अरे वाह, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। स्नेल ना बहुत स्लो चलते हैं, कुछ 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 कुछ, और केंटू कभी कभी उनके साथ खेलता भी है। वो बहुत प्यारे होते हैं, किसी को कभी तंग नहीं करते। उनके सर पे ना दो ट्विंग होते हैं, और वो बड़े प्यारे होते हैं। और जब ये चलते हैं तो पीछे कुछ चिपचिपा सा छूट जाता है। इसके घर का कलर है पर्पल यानी बैंगनी। गई अपने घर में, बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज मुकाबला है ल्यूक के संग, बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फुटबॉल के मैच के दौरान हम रंगों के नाम भी सीखेंगे। मारो और ये मारा। देखना, मैं बॉल को रोक लूंगा और गोल नहीं होने दूंगा। आजा 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 आजा। अरे नहीं, लेकिन मैं जीत गया। देखता हूँ मुझे कौन से रंग का बैज मिला है। आ जाओ आ जाओ, रेड यानी लाल। और मैं जीता, इसीलिए मुझे एक और गोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं तैयार हूँ, ये वाला भी जीतूंगा। अब की बार तो रोक कर ही रहूंगा। आजा आजा। ये मारा। गोल 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 गोल। पकड़ ली पकड़ ली। अरे ये क्या हो गया, हम मैं एक और गोल नहीं कर पाऊंगा। मैं जीता हूँ और
और इस बार मुझे मिला है ग्रीन बैज यानी हरा। बड़ा मजा आया। अब मैं केंट को नहीं जीतने दूंगा और इस बार गोल मैं मारूंगा। इस बार केंट जीतने नहीं देगा, इस बार केंट पकड़ लेगा। अच्छा ये लो। आजा 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 और मैं पकड़ लूंगा। पकड़ गिर गया। केंट मैं तो जीत गया। ऐसा फिर से हो गया। और मैं जीत गया। देखते हैं कौन से रंग का बैज मिला है। ये है पिंक यानी गुलाबी। मैं फिर से जीता तो अब मैं फिर से गोल करूंगा। तैयार हो केंट? केंट इस बार जीत कर ही रहेगा। केंट को जीतना ही होगा। गोल नहीं जाने दूंगा। तो ये आ रहा है गोल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो गया? अरे कहाँ गई कहाँ गई? अरे पीछे चली गई। फिर से निकल ले। वाह मैं फिर से जीत गया। इस बार मुझे मिला है येलो बैज यानी पीला। अरे ये तो मेरा पसंदीदा रंग है। केंट मेरे पास 3 बैज हो गए। अब एक और बैज जीतूंगा। इस बार तो केंट जीत के ही रहेगा किसी भी हाल में। अब मैं जीत जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा। इस बार पकड़ लूंगा। आई पकड़ लिया। बोला था। अरे ये केंट जीत गया। ये फिर से विनर हो गया। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? अब देखते हैं कौन से रंग का बैज मिलेगा। ब्लू यानी नीला। वाह अब गोल करने की मेरी बारी है। फिर से आ गया मैं। इस बार तुम गोल नहीं कर पाओगे। पकड़ नहीं पाओगे। गई 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 गई। आजा आजा आजा। गोल हो जा। और ये है मैंने बॉल पकड़ ली। ये मैं फिर से जीत गया। ये कैसे हो गया? अब क्या करूं? मुझे मिला है ऑरेंज बैज यानी नारंगी। ये मेरा दोस्त लूक जीत गया। कोई बात नहीं अगर मैं हार गया तो क्या हुआ? मेरा दोस्त तो जीत गया ना। और दोस्तों की जीत अपनी ही जीत होती है। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो चलो उठ जाओ। सुबह हो गई बेटा। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। केंट सुबह सवेरे उठता है, रात को जल्दी सोता है। उठते ही जाता है बाथरूम में, ब्रश करता है येलो ब्रश से। येलो यानी पीला। टिंग 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 निंग 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 निंग। फिर नहाता है गर्म पानी से, साबुन लगाता सफेद 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 यानी वाइट। लाती है लाल ड्रेस जो नहीं होती है प्रेस। चेंज करो। फिर लाती है हरी ड्रेस जिससे केंट नहीं होता इम्प्रेस। फिर आती है नीली ड्रेस और वो है उसकी फेवरेट। ये अब वो जाएगा बाहर और वहाँ पर आएगी उसकी क्या आएगी उसकी? बोलो बोलो बोलो। हाँ उसकी स्कूल बस। बस में है उसके दोस्त जो मिलते हैं उसको हर रोज। बाय बाय। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। आज सॉल्व करूंगा पजल मेरी फ्रेंड्स। बड़ा मजा आएगा देखना टिल द एंड। चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है? बताओ बताओ। वाह ये तो पैर लग रहा है। अरे ये भी पैर है। ये तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे जोड़ूंगा। अरे अरे ये तो हिल रहा है। ये तो लायन है यानी शेर। जंगल का राजा। ओ अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। कहाँ जा गए? इस बार मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। चलो फ्रेंड। वाओ ये तो मैं लग रहा हूँ पर कुछ कह नहीं सकता। वो पूरा देखना पड़ेगा।
अरे ये तो मैं ही हूँ, छुटकी सा एलिफेंट यानी हाथी। अब देखते हैं अगला कौन सा आएगा। चार कार्ड आए, देखते हैं कौन सा। अरे ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ आ गया, मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हो फ्रेंड्स, ये है एलिगेटर यानी घड़ियाल। तो दोस्तों आज हमने सीखा लायन यानी शेर और एलिफेंट यानी हाथी। बाय बाय। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। हम जाएंगे इन द ट्रेन, आज सीखेंगे फलों के नेम और साथ में गिनती भी होगी मेरे फ्रेंड्स। वन वाटरमेलन यानी एक तरबूज। चलो आगे बढ़ते हैं। चिक 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 चिक, आगे कौन सा आएगा देखते हैं। बड़क बड़क। टू एप्पल्स यानी दो सेब। चिक 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 चिक, मजा आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या है। पुश पुश पुश। थ्री मैंगोज यानी तीन आम। आम तो मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट कौन सा है? पुछक 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 पुछक। फोर स्ट्रॉबेरीज यानी चार स्ट्रॉबेरीज। चलो आगे देखते हैं और क्या है। चिक 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 चिक। यहाँ पर क्या होगा? पुक 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 पुक। फाइव ऑरेंजेस यानी पांच संतरे। मजा आ रहा है दोस्तों, और सीखने को भी मिल रहा है। हाँ पहुँच गए। पुचक 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 पुचक। सिक्स ड्रैगन फ्रूट यानी छह ड्रैगन फ्रूट। ये रेल गाड़ी चक 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 चक, रेल गाड़ी चक 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 चक, बूम बूम चुक 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 चुक। सेवन पैर यानी सात नाशपाती। मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ, टिम लुक और पेड्रो। पहुँच गए। एट बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के आठ गुच्छे। ये आपको भी मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ पहुँच गए। नाइन कीवीज यानी नौ कीवी। कीवी 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 कीवी, चुक 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 चुक। टेन बनानास यानी दस केले।